दिव्य आत्मन आपण मानक मोर सप्रेम प्रणाम। संत नामदेव घरे जड़े चाकरणी था सी हूँ जनाबाई। जनाबाई प्रत्येक समय संत नामदेव घरे विभिन्न प्रकार काम करती, घर प्रत्येक काम करती, घर सफा करवा आरंभ कर लुगापटा सफा करने पर्यंत, बासन माजवा ठार आरंभ कर रोष करने पर्यंत समस्त काम को सी करती। आ प्रत्येक समय संत नामदेव घर जेहेतु भजन कीर्तन चली थाए, विठल भगवान पूजा अर्चना चली थाए, संत मान प्रवचन चली थाए, एक कथा को मध्य से भल भाव उपभोग करती। प्रत्येक समय भगवान कथा श्रवण करू था, प्रत्येक समय भगवान भजन श्रवण करू था, भजन कीर्तन करू था, ये भाव जीवन चली थाए। भगवान को विठल भगवान को प्रत्येक समय मन भितर अंतर भितर रखी था। गोटाए दिन बहुत गुड़ाए काम थिला घरे, अनेक साधुसंत आसी जाइले से काम करू करू से परिचर्या करू करू बहुत विलंब हो जाता। राति विलंबित राति सोई हालिया भी हो जाती, सका शीघ्र निद भांगा ना, निद भांगा बेलू टे डेरी हो जाए। घरे आज बहुत कम भी थिला, किंतु डेरी रे उठी से तरतर में बहुत कम करने को पड़ी। प्रथम लुगा जी सफा हबार थिला से सब नहीं नईकूल को पलिगले, नईकूल लुगा सफा करवा आरंभ कर मन पड़ा। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण काम घरे छाड़ी सेटा निहाती दरकार, भाविले ये लुगापटा एमती था मुझे घरे से कामटा कर दे कि आसिले या सफा करी। एक चिंता करी जनाबाई दौड़ी घर मुहा बाटे जड़े बुढ़ी देखा पचारे, अरे जनाबाई तुम एमती कहीं दौड़च ना? माँ मु लुगा सफा करने को आसती जे सेपटे मोर बहुत गुड़ाए काम रही जाइए, मुझे सेटा कर सारिक आसिले लुगा सफा करी। से बुढ़ी कहले कहे जना भाई तुम जमा व्यस्त हो ना, मुझको आज साहय करदेवि, तुम्हें जाओ से घरे काम कर, मु लुगापटा तुम सफा करदे। बुढ़ी साथ कथबार्ता हाँपी समय ना, ना ना मौसी तुम्हें कहीं कर, मुसिले करी तुम्हें व्यस्त हो ना, कहीकि दौड़ी पलैले जना भाई। फेरी आसी देखती समस्त लुगापटा सफा हो जाए, सफा लुगा गंडाक बुढ़ी तक हाथ को धरईदे। जोबले सफा सफा लुगा गंडाक धरी बुढ़ी की देखुं ये केमी एत वयस्का महिला एतक काम एत शीघ्र करदे। एक भावा समय आउ हठात बुलिक चाहला बेलू बुढ़ी नहांती। से कथा को आसी जोबले सत नामदेव को कहले जनाबाई, नामदेव कहले जनाबाई स्वयं विठल भगवान आसी तोर तते साहय कर, आज से बुढ़ी रूप से आसी तो लुगापटा सफा कर दे। आखिर धार धार लुह बही जाऊँ जनाबाई एवं नामदेव कर। नामदेव भाई चिंता करूँ तू के भाग्यवती जनाबाई, जहाँ को साहय करने भगवान निजे आसी जाइंट। जनाबाई आज भाव विहोल हो जाती, भक्ति थिला जी भाव जी से विठल भगवान को भल पाते भक्ति आहरी बहुत बढ़ी जा। आज मत साय करने प्रभु आसिले एक सी भावुं सब सबुबले जी कीर्तन चली था जी भजन चली था ताठ आहरी बढ़ी जा। प्रत्येक समय विठल 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 हो दिने हठात विठल भगवान मंदिर गोटे हार चोरी होगा किए नहीं जाइए। जेहेतु जनाबाई प्रत्येक समय मंदिर भितर सेवा अर्चना करूले पूजा अर्चना करूले सफा सफी करूले समस्त संदेह कले ये ही भगवान से हार को चोरी कर। प्रभावशाली व्यक्ति मानकर निरीह व्यक्ति मानी टे दौरात्म ये अत्याचार थाए जिते मना कले जनाबाई जे मु हार चोरी करनी कौन सी मत कहीं भी एक मानवाक नाराज हेले। अजथारे राजा पाखे कथा पहुँचला, राजा विरक्त हो जनाबाई को सुली दे देवाई कहले, नदीकूल को निगला जनाबाई को सुली देवाई। से सुली दि होता गोटे विराट बड़ लुहार खम्ब सेटा तल आड़ू मोटा उपर आड़ गोजिया बसई दिंती, से धीरे 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 जितेबले तलकू आसे एवं तार प्राण चली जाए। ये भाव में गोटे कष्टदायक मृत्यु देवाई जनाबाई को जिते कहगला नदीकूल जितेबले सुखम्ब स्थापन करागला, जनाबाई को अणा हो देखागला जे से समस्त खम्ब तरलीगला। धीरे 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 पा भाया मिलगला एवं सेठी आउ सुली खम्ब ना, समस्ते एक देखि आश्चर्य हो गले, गोड़ तले पड़गले जनाबाई जे तुम्हें विठल भगवान केते अनन्य भक्त जे कि यह असंभव काम को संभव करा। ये भाव जनाबाई कीर्ति जनाबाई कथा बर्तमान लोकमुखे सबुआ प्रचारित है।
जे एभली जने व्यक्ति अछंती जहां को मिथ्या रे आरोपित करी सुली देवा पय अणाई थिला किंतु से सुली खंब तरली गला ए कथा कबीरदास जी कान रे पड़िला। कबीरदास जी जनाबाई को दर्शन करिवा पय जनाबाई को देखिवा पय महाराष्ट्र रु आसी पहुंचिले। जेतेबेले गां दांडरे बुलुचंती लोक को पचारे जनाबाई कौटी मिले सेतेबेले देखा गला दुईट स्त्री लोक कली करू थांती उभयंक भितरे अति जोर रे कजिया होता है ये ताकू गाली करू थाए सी ताकू गाली करू थाए लोके कहले ये जो गाली दौची जो स्त्री लोकटे सी हूँ जनाबाई। कबीरदास जी आश्चर्य हेले कहले ये बड़ भक्त ये ना शुणिली अथच गोटे स्त्री लोक सांगे कली कजिया करा ये लोकटा मिछ कही आउ गोटे लोक को पचारे कहले जनाबाई कौटी मिले ना ये पाटितुंड कर सी हूँ जनाबाई। जितेबाला कबीरदास जी पहुँचिले जनाबाई पाखे कहले माँ आपण जड़े एत बड़ भक्त भगवान ये अन्य भक्त तुम्हें अथच तुम्हें कली करुच कौन पाई। जनाबाई कहले यही स्त्री लोकटा मोर सबुजाक घसी नहीं जाइए घसी कहार अर्थ गोबर से घसी पक जाए अन्न समय जलईवापी से घसी फड़ा गुड़ाक ये मोर चोरे कर चोरी करके जाइपुक गाड़ी करुच से अन्य स्त्री लोक जो कबीरदास पचारे कह तुम्हें कहीं घसी नहीं गल सी तुमको कहीं पाटितुंड कर अन्य स्त्री लोक कहला आज्ञा मु घसी नहीं ना यो मोर घसी थिला से घसी विषय यार घसी मिसी जा तेणु मुझे कह तो घसी तू नहीं जा मुठ गदेकी भी थोचे अधा किंतु सी कह मोर जो गुड़ाक मत दे। कबीरदास पचारे जनाबाई को कहले तुमर जो गुड़ाक तुम केमी जानव घसी तो सबुजाक सामान सी कहला मुझे जापर मो घसी केमितिया मो घसी केमी से कथा मुझे चिन्ह पारि ना तो चिन्ह चिन्हिकी नहीं जाओ ताले एते कली कजिया करिवार कौन अच्छी ना मो पाखे कौन एत समय अच्छी मोर कौन एत काम अच्छी तू मिसेलु कहीं जदि चोरी कर नहीं थू तो देहर मिसेदेलु एवं मुछिकी ने इत्यादि इत्यादि कली कजिया पाटितुंड कला गुजुगुजु है जाए जिते बड़े घसी पाखे पहुँचला प्रत्येक घसी फड़ा को आनी कान पाखे लगोच गोटे घसी फड़ा कान पाखे लगेला गोटे पट को फोपाड़ी दौर अन्य गोटे घसी फड़ा कान पाख को फोपाड़ी लगेला ताकू गोटे पाखे सजेक थौच। कबीरदास जी ये दृश्य को देखिले कहले अरे तुम कौन शुणुच घसी फड़ ना ये जो घसी फड़ गुड़ा फोपाड़ी दे गुड़ा मोर नुह आपटे जोड़ा थुआई है युवाक मोर ना से गुड़ा तुम बोली केमी जान लसी फड़ा टी कबीरदास जी कान पाखे लगेले से पचारा जनाबाई किसी आवाज आसूची ना नाई सेपट को पकाओ आउ गोटे घसी फड़ा उठेला जितेबाला कान पाखे लगे भितर विठल विठल शब्द आसूची आश्चर्य हो गले कबीरदास जी महाराज घसी फड़ा भितर भगवान ना आसूची सेटा को सेपट को थुआ गला यही भाव में उभय घसी फड़ा को बाछी गोटे पट को थौचंती जेहेतु प्रत्येक कर्तव्य प्रत्येक काम एमती जीवनचर्या भितर एम कौन काम ना जो समय से भगवान नाम न नहीं प्रत्येक समय भगवान को डाकुंट प्रत्येक समय भगवान पाखे समर्पित हो करपाईर प्रत्येक काम भगवान नाम शुणा जाऊँगी एक कथा को कबीरदास जी देखिले आश्चर्य हेले जनाबाई गोड़ तले पड़ जाऊँगी। कबीरदास जी महाराज तुम भले अन्य भक्त ए संसार भितर ना 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 हम जितेबले भक्तटीए भगवान पाखे समर्पित हो जाए जितेबले भक्तटीए तार समस्त कर्म को कायन बाचा मनसेन्द्रिय बुद्धियात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि जज्जत सकलम परस्मी श्रीमन्नारायणाय इति समर्पयामि भगवत समर्पित कर्म निश्चित भाव में वासना हुए भगवत समर्पित कर्म निश्चित भाव में ता भीतर भगवान आवास मिले ता भीतर भगवान नाम शुणा को मिले तेणु प्रत्येक समय जदि आम भगवान पाखे समर्पित हो काम करूँ आम जीवन भगवानमय हो आम जीवन ईश्वरमय हो आम ईश्वर केंद्रिका हो ए जीवन को अतिवाहित करिबा एवं अमृतत्व को प्राप्त करिबा एथिरे तिले मात्र संदेह ना एक कथा को चिंता करिबा एक कथा को विचार करिबार आवश्यकता रही हरि ओम तत्सत।